वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मिरेकल यार्ड के बारे में। मिरेकल यार्ड या एम यार्ड मिरेकल का एक पैच है या फिर एक मॉड्यूल है जो एपीएमसी के एजेंट यानी कि मार्केटिंग यार्ड के एजेंट द्वारा उपयोग में लिया जाता है। इस मॉड्यूल को एनेबल करते ही एपीएमसी रिलेटेड सभी फीचर्स मिरेकल में एड हो जाते हैं। तो चलिए पहले ये मॉड्यूल एनेबल करते हैं। कंपनी सेटअप में एडवांस मॉड्यूल में एडवांस पैच सेटअप पर डबल क्लिक करें, देन पैच ऑप्शन में एडवांस चूज करें एंड देन यस सिलेक्ट करें। तुरंत ही मिरेकल के डिफरेंट मॉड्यूल्स का लिस्ट देखेंगे। इसमें मार्केटिंग यार्ड सिलेक्ट करें और सेटअप को सेव करें। देन लेफ्ट साइड कॉलम में कमीशन ऑप्शन ऐड हो जाएगा। यहाँ क्रिएट ऑटो सेलर अकाउंट ऑप्शन एनेबल करें। इसके साथ ही अकाउंट मास्टर में सेलर अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत अपने आप ऐड हो जाएगा। ये ऑप्शन इन डिटेल बाद में समझेंगे, फिलहाल सेटअप को सेव करें। ऊपर मेन्यू लिस्ट में ट्रेडिंग एंड कमीशन दो नए मेन्यू ऐड हो गए हैं, मतलब कि मिरेकल यार्ड पैच एनेबल हो गया है। अब समझते हैं एपीएमसी के एजेंट द्वारा ट्रांजैक्शन जनरली कैसे किया जाता है। तो ये ट्रांजैक्शंस मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन और एक कमीशन ट्रांजैक्शन। इस पार्ट में बात करेंगे सिर्फ कमीशन ट्रांजैक्शन के बारे में। कमीशन ट्रांजैक्शन में एक किसान होता है जो अपनी उपज को बेचने के लिए एपीएमसी एजेंट का कॉन्टेक्ट करता है। मान लो कि ये एजेंट मिरेकल यूजर है। एजेंट किसान से माल खरीद कर मिरेकल में सेलर बिल यानी कि खेडूत बिल या कबाला बिल बनाकर खेडूत को देगा। इस बिल में लेबर, ट्रक रेंट जैसे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करता है। नाउ एजेंट माल खरीद कर या तो ट्रेडिंग एजेंट को या तो कस्टमर जिसे ट्रेडर्स भी कह सकते हैं उसे कमीशन के साथ बेचता है, तो मिरेकल में इसका सेल्स बिल बनेगा और अंत में एपीएमसी के नियम अनुसार एजेंट एपीएमसी को मार्केट फीस पे करता है। तो कमीशन एंड मार्केट फीस यहाँ पर एक्सपेंसेस बनते हैं जिसे वो सेल्स बिल में एड करेगा। इस बात पर विशेष ध्यान दे कि जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के साथ कमीशन एजेंट का कॉन्टेक्ट करता है सिर्फ तब एजेंट किसान से माल खरीदता है, अपने लिए स्टोर करने के लिए नहीं, और इसी वजह से कमीशन मेन्यू में स्टॉक मेंटेन नहीं होता है। तो चलिए कमीशन ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहले सेलर बिल यानी कि खेडूत को दिए जाने वाले बिल के एक्सपेंसेस जनरेट करते हैं। फॉर दैट गो टू सेटअप, मार्केटिंग यार्ड सेटअप, सेलर सेटअप एंड एक्सपेंस डिटेल्स। हम दो एक्सपेंसेस एड करेंगे, लेबर एंड ट्रक रेंट। क्लिक ऑन एड, एक्सपेंस का नाम दाखिल करें, टाइप में लेबर सिलेक्ट करें और अकाउंट इफेक्ट में यस सिलेक्ट करें। ये हमारा पहला ही एक्सपेंस है इसलिए सीरियल नंबर में एक दाखिल करें। जैसे हमने पहले बताया कि ये एक्सपेंस सेलर बिल में से डिडक्ट होता है इसलिए एड डिडक्ट में डिडक्ट सिलेक्ट करें। इस एक्सपेंस की आइटम वाइज कैलकुलेशन होगी, टाइप में सेकेंड क्वांटिटी सिलेक्ट करें। खास याद रखें कि मिरेकल में एपीएमसी मॉड्यूल में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट यूनिट वेट है और सेकेंड यूनिट बैग्स। अकाउंट टाइप में फिक्स्ड और अंत में अकाउंट नेम में लेबर एक्सपेंस अकाउंट सिलेक्ट करें। और इसी तरह दूसरा एक्सपेंस जनरेट किया है ट्रक रेंट का, और ये एक्सपेंस वैल्यू व्हीकल वाइज कैलकुलेट होगी और प्रोड्यूस के वेट के ऊपर रहेगी। तो दो एक्सपेंसेस ऐड हो गए हैं सेलर बिल के लिए। अब एजेंट द्वारा कस्टमर को दिए जाने वाले सेल्स बिल में जो एक्सपेंसेस ऐड होंगे वो ऐड करते हैं। फॉर दैट गो टू सेटअप, मार्केटिंग यार्ड सेटअप, सेल्स कमीशन सेटअप एंड एक्सपेंस डिटेल्स। सेल्स बिल के दो एक्सपेंसेस कमीशन एंड मार्केट फीस जनरेट करेंगे। क्लिक ऑन एड, एक्सपेंस का नाम दाखिल करें, टाइप में कमीशन सिलेक्ट करें और अकाउंट इफेक्ट में यस सिलेक्ट करें। जैसे हमने पहले बताया कि ये एक्सपेंस सेल्स बिल में ऐड होता है इसलिए ऐड डिडक्ट में ऐड सिलेक्ट करें। इस एक्सपेंस की आइटम वाइज कैलकुलेशन होगी, टाइप में परसेंटेज सिलेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट टाइप एंड अकाउंट नेम सिलेक्ट करके डिटेल्स को सेव करें। दूसरा एक्सपेंस मार्केट फीस हमने ऐड कर दिया है। अब हम क्रिएट करेंगे सेलर बिल जो एजेंट देता है किसान को, इसे कबाला अकाउंट भी कहा जाता है। कमीशन मेनू में सेलर बिल में जाए, एड पर क्लिक करें, इनवॉइस टाइप में सेलर बिल जीएसटी सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है वेट टाइप, मतलब कि यहाँ दिखाए गए चार मेजरमेंट्स के आधार पर प्रोडक्ट रेट दाखिल करना होगा। यदि हम 20 केजी सिलेक्ट करते हैं तो रेट में 20 केजी की अमाउंट दाखिल करनी होगी एंड देन हमारे कैलकुलेट हुए वेट के आधार पर फाइनल अमाउंट मिलेगी। याद रखे कि 20 केजी यानी एक टीला। यदि बैग्स 20 केजी सेट करते हैं
तो एक बैग के हिसाब से वेट काउंट होगा और एक बैग में 20 केजी रहेगा। बैग क्विंटल सेट करेंगे तो एक बैग में 100 केजी काउंट होंगे और लास्ट में यूनिट है जो हमारा बेसिक वेट रहेगा। प्रोड्यूस का जितना टोटल वेट रहेगा ट्रू से रेफरेंस में लिया जाएगा। नेक्स्ट वाउचर डेट एंड वाउचर नंबर दाखिल करें। सेलर नेम फील्ड में किसान का नाम आएगा जिससे एपीएमसी एजेंट माल खरीद रहा है। किसान की डिटेल्स ऐड करें। नेक्स्ट है व्हीकल जिसमें किसान के वाहन का नंबर, ड्राइवर और उनके मोबाइल नंबर की डिटेल डालनी होगी। क्रेडिट टू फील्ड में दो ऑप्शंस शो होंगे। यदि एजेंट किसान से कैश में पेमेंट करता है तो कैश अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। यदि बैंक ट्रांजैक्शन है तो यहां पर किसान का अकाउंट ही सिलेक्ट करेंगे। ध्यान दें कि हमने सेलर का कोई अकाउंट मास्टर में क्रिएट नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर बात करेंगे ये सेटअप की। इस सेटअप में हमने यस सेट किया था, इसलिए सेलर का नाम दाखिल करते ही मिरेकल ऑटोमेटिकली सेलर अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत उसका अकाउंट मास्टर में क्रिएट कर देगा। हमें मैन्युअली क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट फील्ड है पार्टी नेम। इस फील्ड में वो पार्टी दाखिल करे जिसे एपीएमसी एजेंट अपना खरीदा हुआ माल सेल करेगा। अब प्रोडक्ट ऐड करते हैं। प्रोडक्ट मास्टर से भी आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल्स दाखिल करें। प्राइस का ट्रेडिंग अकाउंट अलग से क्रिएट कर रहे हैं और जीएसटी यूनिट किलोग्राम सेट कर रहे हैं। अब देखते हैं एक्सपेंस डिटेल। यहाँ पर डिफरेंट इनवॉइसेस के लिए जनरेट किए गए सभी एक्सपेंसेस शो होंगे, पर हमें यहाँ सेल्स बिल एंड सेलर बिल के लिए एक्सपेंसेस के रेट्स सेट करने हैं। जितनी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे उन सभी के लिए ऐसे ही रेट्स सेट करने होंगे। पहले लेते हैं सेल्स बिल जिसमें हमने दो एक्सपेंसेस जनरेट किए थे। कमीशन हमने आइटम वाइज सेट किया था तो अपने हिसाब से 5 दाखिल कर रहे हैं और ये आइटम वाइज टोटल पर कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट है मार्केट फीस जो एपीएमसी के रूल्स के मुताबिक फिक्स होती है सेल्स बिल अमाउंट के 0.7%, वो भी आइटम वाइज टोटल पर कैलकुलेट होगा। अब आते हैं सेलर बिल के एक्सपेंसेस पर। नेक्स्ट है लेबर जो सेकेंड क्वांटिटी के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि बैग्स या पैकिंग के ऊपर, तो लेबर पर पैकिंग रेट डालते हैं 5। ट्रक रेंट एक्सपेंस को हमने वेट के ऊपर कैलकुलेट करवाया है तो यहाँ वेट के लिए रेट दाखिल करेंगे। तो ये सेट हो गए एक्सपेंसेस रेट्स फॉर द प्रोडक्ट राइस। ओके पर क्लिक करके एग्जिट करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल बैग्स की काउंटिंग है 10 और यूनिट यानी कि टीला की काउंटिंग है 15। अगर 10 फुल बैग्स के अलावा कोई लूज किलोग्राम्स भी है तो वो अमाउंट यहाँ डालेंगे। मान लीजिए हमारे पास लूज केजीस है 19.9 किलोग्राम, तो 15 टीला प्लस ये लूज केजीस मिलाकर टोटल 319.900 केजीस होता है। नाउ एक टीला यानी कि 20 केजी का रेट दाखिल करें तो हमें इतने केजीस का टोटल अमाउंट मिलता है इतना। हमारे इंसर्ट किए गए सभी एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो गए हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं वेट टाइप बैग्स क्विंटल का। एक क्विंटल यानी कि 100 केजीस। मान लो कि हमारे पास 10 बैग्स है और एक बैग 50 किलोग्राम की है, कोई लूज केजीस नहीं है, तो टोटल किलोग्राम्स हुए 500। जो रेट दाखिल करेंगे वो एक क्विंटल यानी कि 100 केजीस का होगा। तो हमारे 500 केजीस या फिर 5 क्विंटल की अमाउंट होती है 2500। ये जनरेट हो गया सेलर बिल। अब देखते हैं कि इस सेलर बिल का सेल्स बिल ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गो टू कमीशन एंड ऑटो सेल्स बिल फ्रॉम एंड टू में सेलर बिल की डेट रेंज डालें। यदि आपके पास एक से अधिक सेलर बिल्स है तो वे एक साथ सेल्स बिल में कन्वर्ट होंगे। बिल डेट में जिस दिन का सेल्स बिल जनरेट करना है वो डेट दाखिल करेंगे। इनवॉइस टाइप में कमीशन सेल्स जीएसटी सिलेक्ट करें। बिल टाइप 3 प्रकार के है, टैक्स, रिटेल एंड ऑल। यदि टैक्स सिलेक्ट करते हैं तो मिरेकल सिर्फ वो ही सेलर बिल्स सिलेक्ट करेगा जिसमें ली गई प्रोडक्ट्स में जीएसटी कमोडिटी होगी। यदि रिटेल सिलेक्ट करते हैं तो मिरेकल सिर्फ वो ही सेलर बिल्स सिलेक्ट करेगा जिसमें ली गई प्रोडक्ट्स की कोई जीएसटी कमोडिटी नहीं है। और ऑल सिलेक्ट करते हैं तो सभी सेलर बिल्स ऑटो सेल्स बिल के लिए ले लिए जाएंगे। वी आर सिलेक्टिंग ऑल हियर। सभी सेलर बिल्स को सेल्स बिल में कन्वर्ट करना है। बाद में नीचे सभी फील्ड में ऑल सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करें। क्लिक ऑन जनरेट बिल। तुरंत ही सेल्स बिल जनरेट हो जाएंगे।
जो हम कमीशन सेल्स इनवॉइस में जाकर देख सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि एक ही कमीशन सेल बिल की प्रोडक्ट्स के इस तरह से अलग अलग सेल्स इनवॉइसेस जनरेट हुए हैं, जिसके टैक्स टाइप भी समान है, तो कंपनी सेटअप में कमीशन ऑप्शन में जाकर मल्टीपल आइटम इन वन बिल में यस सेट करें और मल्टीपल टैक्स इन सिंगल कमीशन सेल्स इनवॉइस में भी यस सेट करें, और फिर वो सेल्स इनवॉइसेस देखेंगे तो ये मर्ज हो गए हैं। अब देखते हैं कमीशन ट्रांजैक्शन के कुछ रजिस्टर्स एंड रिपोर्ट्स। पहला है कमीशन सेल्स रजिस्टर, जिसमें कस्टमर को बेचे गए सभी प्रोडक्ट्स टोटल केजीज एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस के साथ सेल रिपोर्ट शो होगी। नेक्स्ट देखते हैं सेलर रजिस्टर। इस रिपोर्ट में सेलर बिल यानी कि किसान बिल्स के रिलेटेड सभी इन्फो मिलेगी, जैसे कि किसान भाइयों के नाम, टोटल परचेज किया गया माल इन केजीज एंड सभी रिलेटेड एक्सपेंसेस। यदि रजिस्टर को सिटी वाइज, व्हीकल वाइज या सेलर वाइज देखना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस F प्रेस करके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इसमें भी यदि कोई ऐसा बिल है जिसके सेलर बिल से कोई सेल बिल नहीं बनाया है, तो वो पेंडिंग बिल्स में देख सकते है। अगला है सेल्स रिपोर्ट, जिसमें एक है कमीशन सेल्स रिपोर्ट और एक है मार्केट फीस रिपोर्ट। मार्केट फीस रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन से वाउचर में कौन से प्रोडक्ट पर कितनी मार्केट फीस पे की है, और अंत में स्टॉक रिपोर्ट तो है ही, जिसमें एक है इनवर्ट रजिस्टर और एक है प्रोडक्ट लेजर। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं इस ट्यूटोरियल को। अगली वीडियो में बात करेंगे कमीशन ट्रांजेक्शन के भीतर इनवर्ट एंट्री एंड ऑक्शन बुक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।